तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो जाओ तैयार, बम्पर भर्तियां ला रही सरकार। जल शक्ति विभाग, वन विभाग, शिक्षा विभाग में भर जाएंगे इतने पद। जल्द ही राज्य में नौकरियों का सूखा खत्म होने वाला है। राज्य में जल शक्ति, वन और शिक्षा विभाग समेत अन्य में बम्पर नौकरियों का अवसर युवाओं को मिलेगा। राज्य चयन आयोग के गठन के बाद सरकार ने जिन पोस्ट कोड पर कोई केस नहीं है उनके परिणाम घोषित करने की भी तैयारी कर ली है। बता दें कि प्रदेश में नौकरियों की बात करें तो वन मित्र के तौर पर 2061 पदों को भरा जाएगा, जबकि 100 पद वन रक्षकों के भी भरे जाने हैं। इसके अलावा जल शक्ति विभाग में मल्टीटास्क वर्करों के 5000 पद भी जल्द ही भरे जाएंगे। वह सरकार ने पहले ही बजट में मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती का जिक्र किया था। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके लिए वाटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बिल लाने की बात कही थी। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही इन सभी भर्तियों को एक साथ शुरू करेगी। HRTC कंडक्टरों को नोटिस, ड्यूटी ज्वाइन न करने पर कर्मचारियों को सस्पेंड करने की तैयारी में प्रबंधन। HRTC प्रबंधन ने ट्रांसफर के बाद ज्वाइनिंग नहीं देने वाले 3 कंडक्टरों को नोटिस भेजा है। अगर नोटिस के बाद भी जल्द ही ये कंडक्टर नई प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर इन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है। बता दें कि HRTC प्रबंधन ने इन कर्मचारियों को सस्पेंड करने की तैयारी भी कर रहा है। वह दरअसल कुछ दिन पहले इसी तरह के एक मामले में HRTC प्रबंधन ने एक अन्य कंडक्टर को भी सस्पेंड किया था। अब इसी तरह अन्य 3 परिचालकों को भी सस्पेंड करने की तैयारी है। करीब 1 माह पहले इन परिचालकों को ट्रांसफर बैजनाथ व हमीरपुर से शिमला के ढली डिपो के लिए हुई थी, लेकिन समय व नियमों के अनुसार अभी तक 3 परिचालकों ने ढली डिपो में ज्वाइनिंग नहीं दी है। निगम प्रबंधन ने 3 परिचालकों को नोटिस जारी कर दिए हैं और ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है। रिवाइज सिलेबस रिलीज, 24 जनवरी 2024 से 1 फरवरी के बीच होगा एग्जाम। NTA ने JEE मेंस 2024 एग्जाम के लिए रिवाइज सिलेबस रिलीज कर दिया है। एग्जाम देने के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वहीं नए सिलेबस में फिजिक्स से 9 टॉपिक्स और केमिस्ट्री से 6 टॉपिक्स कम किए गए हैं। वहीं मैथ्स में भी 7 टॉपिक्स हटाए गए हैं। वहीं सिलेबस घटने से पहले के मुकाबले अब स्टूडेंट्स को नीट का कट ऑफ क्लियर करने में आसानी होगी। वहीं कैंडिडेट्स एग्जाम का पूरा सिलेबस JEE.NTA.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। GST उगाही में 9% की छलांग, आबकारी विभाग ने जुटाई 546 करोड़ 41 करोड़ की बढ़ोतरी। जी हां, आबकारी कराधान विभाग ने GST उगाही में अक्टूबर माह के दौरान बड़ी छलांग लगाई है। विभाग ने 9% बढ़ोतरी के साथ 516 करोड़ का राजस्व जुटाया है। वही विभाग की उगाही में कुल 41 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। वही बीते साल अक्टूबर में विभाग ने 475 करोड़ का राजस्व ही जुटाया था। इस बढ़ोतरी के साथ ही विभाग को राजस्व जुटाने के मामले में 2 महीने के दौरान हुए नुकसान की भी भरपाई हो गई है। दरअसल आबकारी विभाग को जुलाई और सितंबर महीने में यह नुकसान उठाना पड़ा था। बता दें कि जुलाई में राजस्व 5% जबकि सितंबर में 7% घाटा रहा था। वही अक्टूबर महीने में 9% की बढ़ोतरी के साथ आबकारी विभाग का बढ़ता राजस्व घाटा अब 2% पर सिमट गई है। जनता से किए सभी वादे पूरे करेगी सरकार, रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन पर बोले मुकेश अग्निहोत्री। जी हां, रामपुर में चल रहे 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का मंगलवार को समापन हो गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समापन समारोह पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रामपुर के अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का अपना एक विशेष महत्व है। यह मेला व्यापार के लिए प्रसिद्ध और साथ ही यह रामपुर के लोगों के प्यार के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि रामपुर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की कर्मभूमि है, जिसे उन्हें बड़े प्यार से संजोया और संवारा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने सभी वादों को पूर्ण करेगी। इसी दिशा में सबसे पहले OPS को लागू किया गया है। 25 को आएगी दीपक सान कमेटी की रिपोर्ट, क्लास 3 भर्तियों को लेकर 7 तक दी है कमेटी को एक्सटेंशन। जी, राज्य सरकार द्वारा ग्रुप सी यानी क्लास 3 भर्तियों लेकर गठित दीपक सान कमेटी की अंतिम रिपोर्ट 25 नवंबर तक आ सकती है। इस कमेटी को हालांकि राज्य सरकार ने 7 दिसंबर 2023 तक एक्सटेंशन दे रखी है, लेकिन रिपोर्ट इसी महीने आखिरी सप्ताह में आ जाएगी। इस रिपोर्ट का इंतजार इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके बाद ही राज्य सरकार नए गठित राज्य चयन आयोग को धरातल पर उतारने के लिए अगले कदम उठा पाएगी। वही दीपक सान कमेटी का गठन चयन आयोग बनाने से पहले क्लास 3 की भर्ती प्रक्रिया को फुल प्रूफ करने के लिए किया था। इस कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट दे दी है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट का भी इंतजार है। वह फाइनल रिपोर्ट में दी गई सिफारिश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया का क्या करनी है इसको लेकर राज्य सरकार फैसला लेगी। दिवाली के पटाखों से हिमाचल की आबो हवा प्रदूषित, रिपोर्ट के अनुसार 58 से सीधा 92 माइक्रोग्राम पहुंचा स्तर।
जी, हिमाचल में दीपावली पर जले पटाखों से प्रदेश की आबोहवा काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हुई है। हालांकि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले हिमाचल की हवा अभी भी काफ़ी ज़्यादा साफ है। वह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिवाली से पहले और दिवाली के बाद हिमाचल में प्रदूषण के स्तर को मॉनिटर किया था। वह रिपोर्ट के अनुसार दिवाली से पहले के मुकाबले दिवाली के दिन हिमाचल में प्रदूषण का स्तर 2 गुना हो गया। वह दिवाली से पहले हिमाचल में एयर क्वालिटी इंडेक्स जहाँ 50 से 58 माइक्रोग्राम था, तो वहीं दिवाली के दिन हिमाचल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 97 माइक्रोग्राम पहुँच गया। वह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 5 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक हिमाचल के एयर क्वालिटी इंडेक्स को लगातार मॉनिटर किया। इस दौरान प्रदेश के 11 शहरों की मॉनिटरिंग की गई है। डोडा में बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरी बस, 33 लोगों को मौत, 26 गंभीर रूप से घायल। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बड़ा हादसा पेश आया है। यहाँ एक बस अनियंत्रित होकर 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। वही हादसे में 33 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वह खबर सामने आ रही है कि 26 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वह पुलिस ने कहा है कि बुधवार को यात्रियों को ले जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और अस्सर के पास खाई में गिर गई। वह हादसे का पता चलते ही पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। वह घायलों को इलाज के लिए GMC डोडा ले जाया गया। इसमें से भी कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वह डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने दुर्घटना की पुष्टि की और कहा कि हताहतों के बारे में विवरण का पता लगाया जा रहा है। उड़ीसा की तर्ज पर होंगी कैनोइंग स्पोर्ट्स। विधायक सुधीर शर्मा बोले, एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बनेगा कांगड़ा। जी हाँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिमाचल अब पैराग्लाइडिंग के बाद एक और बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। वह एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े कैनोइंग खेल को अभी हिमाचल के कांगड़ा से शुरू किया जाएगा। यह दावा विधायक व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने किया है। उनका कहना है कि अभी तक यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स उड़ीसा या उसके आसपास के क्षेत्र में करवाई जाती थी, लेकिन आने वाले समय में इसे पहाड़ में करवाकर सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। इससे धर्मशाला कांगड़ा जिलों को एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बनाया जा सके। इसकी तैयारी भी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप के बाद से शुरू कर दी जाएगी। चलिए मैं चलता है शाम की आखिरी खबर। किरतपुर नहरचौक फोरलेन पर गुंडागर्दी, सिरमौर की गाड़ी पर अज्ञात लोगों का हमला, शीशे दरवाजे तोड़े। जे झडुंदा थाना के अंतर्गत किरतपुर नहरचौक फोरलेन पर सिरमौर जिला से संबंधित कार सवारों पर अज्ञात लोगों ने हमला किया है। इस दौरान कार में सवार 2 लोगों ने गाड़ी से बाहर निकलकर जान बचाई, वहीं लंबे समय तक सहमे रहे। वह पुलिस ने झडुंदा थाना में नितिन सूर्या निवासी गांव चुनबी तहसील नोहराधार की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि शिकायतकर्ता नितिन सूर्या ने थाना में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है कि वह एक अन्य व्यक्ति के साथ रात के समय सिरमौर से हमीरपुर के लिए गाड़ी के माध्यम से जा रहे थे। वहीं रात करीब 12 बजे जब वह बिलासपुर फोरलेन पहुंचे तो यहां पर अचानक ही उनकी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि इस कार का टायर ब्लास्ट होने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर 2 बाइक, 1 कार अस्थायी नंबर की खड़ी थी। इसके बाद अज्ञात व्यक्ति जो कि उनकी ओर आए और उनके हाथ में डंडे थे, वह देखते ही देखते इन अज्ञात लोगों ने गाड़ी के शीशे डंडे से तोड़े और खिड़की व दरवाजे से डंडे मार उनकी गाड़ी की तोड़फोड़ की। इसके बाद उन्होंने अब इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। उधर DSP हेडक्वार्टर मदन धीमान ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। वह पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।